हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सना फ़खर ऑफिशियल। आज वंस अगेन एक और मिशन के साथ आपको बताने वाली हूँ आज जो वर्कआउट वो है लोअर पार्ट लेग वर्कआउट। बहुत सारे लोगों को ये शिकायत होती है कि उनका जो लोअर पार्ट है वो अपर बॉडी से ज़्यादा हैवी है या बैलेंस में नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके लोअर पार्ट बैलेंस में आए और लेग्स जो शेप अप हों, तो आप फॉलो करें ये लेग वर्कआउट। ये लेग वर्कआउट क्या है? इट्स अ सुपर सिंपल ऑसम वर्कआउट। ये मेरा वन ऑफ दोज फेवरेट वर्कआउट है जो कि मैं लेग जब मेरा लेग डे होता है तो मैं करती हूँ। साथ ही बहुत सारे लोग मुझे मैसेजेस और कमेंट्स में ये लिख के भेजते हैं कि उनका बहुत स्टबर्न वेट है और वो कोई सादा डाइट बताएं या कोई अपनी डाइट शेयर करें। लेट मी जस्ट टेल यू, एक ही डिसिप्लिन है डाइट का, वो ये है कि आप अपना पोर्शन खाने का कम करें जो आपका प्रीवियस है या आपकी रूटीन में जो जो चीज़ें, आपको मॉनिटर खुद करना है खुद को, क्योंकि दुनिया का कोई जिम आपको पतला नहीं कर सकता अगर आप नहीं होना चाहते। और अगर आप होना चाहते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। यू डोंट नीड जिम, यू डोंट नीड एनीबडी, यू जस्ट नीड मोटिवेशन एंड माइंडसेट। सो मेक अप योर माइंडसेट। वेल, आज का वर्कआउट क्या है जो मैंने डिज़ाइन किया? इट्स सिंपल, इट्स नॉट दैट लॉन्ग, इतना लंबा नहीं है कि आप उसको करना सकें, लेकिन कुछ मैनरिज्म हैं जो कि मैं आपको बताना चाहती हूँ। कभी भी आप वर्कआउट शुरू करते हैं और आपको एन्जाइटी होने लगती है, उसकी रीज़न ये होती है, एक तो ऑब्वियसली आप नई रूटीन फॉलो कर रहे होते हैं, सेकेंडली आप अपनी डाइट चेंज कर रहे होते हैं, उससे टॉप ऑफ दैट आपने अपनी नींद का बहुत ख्याल रखना है, बिकॉज एक अल्लाह ताला ने जो निज़ाम दिया है रात की नींद का, उसमें बहुत हेल्थ भी है और पावर भी है, और आप स्टिमुलेट करते हैं बहुत सारी एनर्जी जब आप सुबह उठते हैं, तो उसके बाद एक नया दिन एक नई एनर्जी के साथ शुरू करते हैं। तो आपने अपनी जब भी वर्कआउट और अपनी डाइट शुरू करनी है अपनी स्लीप का बहुत ख्याल करना है। आज का जो वर्कआउट किया है उसमें 4 से 5 ऐसी वर्कआउट मैंने निकाली हैं जो कि कॉम्बिनेशन के साथ हैं, बट इट्स प्योर इफ़ेक्टिव अगर आप उसको परसिस्टेंसी से फॉलो करते हैं और आप अपनी डाइट बैलेंस के साथ लेकर चलते हैं। तो दैट्स माय गारंटी टू यू एंड दैट्स माय वर्ड्स टू यू कि आप डेफिनेटली वेट लूज भी करेंगे एंड यू विल फील मोर हेल्दी एंड चार्मिंग। अच्छा, ये 5 वर्कआउट हैं जो मैंने डिज़ाइन किए हैं, लेकिन मैं आपको ये बता दूं, जब भी कोई एक्सरसाइज शुरू करने लगे तो आपने अपना वार्म अप ज़रूर करना है। वार्म अप के लिए मैंने सोचा था कि मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी वार्म अप में खड़े होकर आप कर सकते हैं, प्लस 10 से 15 मिनट आप फास्ट वॉक कर सकते हैं, और अगर आपके पास ग्राउंड नहीं है तो घर की जो 4 दीवारी जो होती है उसके साथ आप बाउंड्री के साथ वॉक कर सकते हैं, और फिर उसके बाद अपने घर में इनसाइड कहीं भी आप मैट पे ये एक्सरसाइज फॉलो कर सकते हैं। दैट विल बी मोर इफेक्टिव। जो हमारी पहली एक्सरसाइज है वो हम स्क्वाट्स करेंगे, लेकिन स्क्वाट्स में थोड़ा से चेंजेस होंगे, हमें शिन लिफ्ट करनी होगी, और वो क्या होगा वो मैं आपको साथ साथ बताती जाती हूँ। 10 इसके हम रिपीटेशन करेंगे और 3 टाइम करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इट। आपको हील पे नीचे जाना है और टो पे हाई नहीं करना है, सॉरी लाइक हाई फीट। 3, 4, 5, 6, 7 मेक श्योर के आप इनहेल एक्सहेल भी करते रहें व्हाइल योर वर्कआउट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। आज की जो सेकंड एक्सरसाइज है वो हाई नीज स्क्वाट हैं, स्क्वाट्स अलॉन्ग विद हाई नीज। आपको कैसे करने हैं ये मैं आपको पहले बताती हूँ, एंड देन विल इसकी रिपीटेशन 10 होंगी एंड 3 टाइम्स रिपीट करेंगे। जैसे मैंने आपको बोला था हील के ऊपर आपने जाना है,
टो पे नहीं जाना. व्हेन यू आप जब भी स्क्वाट्स करते हैं तो मेक श्योर आपके हील्स के ऊपर वेट होना चाहिए. एंड देन थ्री. इट्स सिंपल बट इट रियली वर्क्स. थ्री, फोर, फाइव. Inhale, exhale. Keep doing it. Seven. Eight. Nine. Ten. ओके, ये हमारी सेकेंड वर्कआउट था, ये हमारी सेकेंड एक्सरसाइज थी. ओके, अब हम विल मूव टू आवर थर्ड एक्सरसाइज. इससे पहले मैं आपको एक चीज़ याद करा दूं कि इनहेल एक्सहेल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ड्यूरिंग वर्कआउट. आपने कभी ये मुंह बंद करके नहीं एक्सरसाइज करनी. बहुत सारे लोगों को देखा ये ना करा किया करें, इससे आपका सिर्फ फेस बिगड़ेगा, खोइडिया पतले होने वाले. मैंने बहुत ज़्यादा दफ़ा जिम में देखा है, लेकिन मैं नहीं कह सकती, बट यहाँ तो कह सकती हूँ ना, ये आपके अपने फ़ायदे के लिए है. तो जब भी आप एक्सरसाइज करें, जब आपको बहुत ज़्यादा यू नो पेन या आपको लग रहा है कि कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, तो उसमें आपकी जो इंडोरेंस है वो भी डिवेलप हो रही होती है. तो उसके साथ साथ आपने इनहेल एक्सहेल जो है वो रखना है, ताकि उससे आपका इंडोरेंस और डेवलप होगी और आपकी बॉडी स्ट्रांग होगी. ओके, जो ये तीसरी एक्सरसाइज है इसको मैंने नाम दिया है क्रीपी वॉक. अच्छा, ये भी स्क्वाट्स में है, क्योंकि हम लोअर पार्ट कर रहे हैं, तो इसलिए ये वाली एक्सरसाइज जो है इसका एक कॉम्बिनेशन होता है. कॉम्बिनेशन के साथ आप करते हैं, तो ये जो तीसरी है इसका कॉम्बिनेशन है, इसको हम कहेंगे क्रीपी वॉक. आपने हॉरर फिल्मों में देखा होगा ना अक्सर. इसको आप 30 सेकंड भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपके 30 सेकंड करना है हमने, कीप मूविंग. वन. ओके, ये हो गई तीसरी. और जैसे मैंने कहा कि आपने हर एक्सरसाइज में इनहेल एक्सहेल ज़रूर रखना है, बिकॉज उससे आपकी बॉडी का जो फ्लो होता है ऑक्सीजन एंड ब्लड फ्लो वो बैलेंस रहता है. अदरवाइज़ आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते, आपके मसल जो हैं टाइट होने लगते हैं. तो दैट्स द रीज़न. डिटेल से बताना पड़ेगा ना. ओके, ये जो फोर्थ एक्सरसाइज है, बेसिकली तो सारी एक्सरसाइज जितनी मैं बता रही हूँ ये मोस्टली लो पार्ट के लिए हैं, बट दिस इज़ फॉर दोज वुमन, दोज गर्ल्स लाइक जिनको इशू होता है कि उनके हैमस्ट्रिंग जो है वो यहाँ से फैट नहीं जाता, ये जो ये पार्ट होता है, तो ये इस मसल को टाइट करता है और आपकी लेग को स्ट्रॉन्ग और शेप अप करता है. तो इसको हमने इस तरह करना है. ये थोड़ी सी जब इसको आपने अक्सर देखा होगा लोग वेट के साथ करते हैं, मैं आज वेट के बगैर करूँगी, बिकॉज मोस्टली लोग जो मुझे देख रहे हैं वो घरों पे अगर फॉलो करते हैं तो वो इस तरीके से फॉलो करें, वेट के साथ ना करें, बिकॉज वेट के साथ करने से थोड़ा सा विदाउट ऑब्जर्वेशन अगर आप किसी एक्सपर्ट के साथ नहीं कर रहे तो कुछ भी इंजरी हो सकती है. तो बेहतर है विदाउट वेट करें. और इसका ये वो 10 रिपीटेशन होंगी और हम इसको इस तरह से करेंगे. हम काउंट करेंगे 5 तक. ये आप देखें बिल्कुल बैलेंस, आपकी टो और आपके शोल्डर बिल्कुल बैलेंस होने चाहिए. ये आप स्ट्रेट खड़े हो एंड देन आपने हैंड्स यूँ रखने हैं और 5 तक काउंट करना है. 1, 2, 3, 4, 5. इनहेल एक्सहेल. आपने स्लो इसलिए कि आपको फील होना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्शन हो रही है आपकी लेग में, हैमस्ट्रिंग में. 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10. So now, पांचवी एक्सरसाइज क्या है वो मैं आपको बताती हूँ. टोटल हमारी 5 एक्सरसाइज थी जो कि हमने लेग वर्कआउट के लिए डिज़ाइन की थी. पांचवी एक्सरसाइज में आपने अपना हैंड यहाँ रखना है, अपना पोस्चर पहले सीधा रखना है अपने लेग्स को, और अपना एक हाथ यहाँ ताकि आपको थोड़ा सा आपकी ग्रिप सही रहे. आपने लेफ्ट लेग अप करनी है और 10 टाइम करनी है. और जैसे मैंने आपको कहा है इनहेल एक्सहेल ज़रूर करना है आपने. सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन. एक बात का आपने ज़रूर ध्यान रखना है, जब भी आप एक्सरसाइज करें और व्हेन यू लिफ्ट योर फुट तो आपने इसको ऐसे नहीं करना, बिकॉज मोस्टली मैंने देखा है उसका कोई फ़ायदा नहीं है, इनफैक्ट आपको इंजरी हो सकती है. तो आपने मेक श्योर कि मोमेंटम के साथ पूरा ऐसे स्लोली नीचे लेके आना है. ओके, ग्रिप एंड देन स्टार्ट. 10 टाइम हम करेंगे इसको. 1, 2, 3, 4, 5. Keep inhale, exhale, keep doing that. 8, 9. और फिर आप अपना योगा करें, कुछ भी करें, आपको थोड़ा सा रिलैक्स भी करना है और ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करना है. ये आपने 3 सेट करने हैं, इसको रिपीट करना है. जो मैंने 5 एक्सरसाइज आपको लेग वर्कआउट की बताई हैं आप ये कीजिएगा, और जो जैसे मैंने आपको बताया ये सब चीज़ें हैं जब फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़र्क पड़ेगा. और मुझे अपनी फीडबैक देना मत भूलिएगा. अपना ख्याल रखिएगा इसी तरह, और मेरा चैनल फॉलो करते रहिएगा. इंशाल्लाह आपके लिए बहुत सारी अच्छे आइडियाज़ की वीडियो मैं बनाने वाली हूँ नेक्स्ट वीक. सो कीप फॉलोइंग माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. टेक केयर, लव यू ऑल.